भवनाथपुर थाना क्षेत्र के रजदेहवा नदी में मिला युवक का शव। भवनाथपुर से उस्ताद अंसारी की रिपोर्ट। चपरी टिकरी निवासी सेवानिवृत्त सेल कर्मी भोला साह के 35 वर्षीय पुत्र जितेश्वर साह के शव मंगलवार की सुबह करपुरी चौक स्थित रजदेहवा नदी से भवनाथपुर पुलिस ने बरामद किया। वह रविवार से ही अपने घर से गायब था। ग्रामीणों के अनुसार मृतक जितेश्वर साह शराब का आदी था। आशंका जताई जा रही है कि वह शराब के नशे में शौच करने के बाद पानी के लिए नदी के किनारे जाने के दौरान पैर फिसलने के कारण नदी में डूबने से उसकी मौत हो गई। उधर नदी में शव होने की जानकारी मिलते ही देखने के लिए लोगों की हुजूम उमड़ पड़ी। इसके बाद ग्रामीणों द्वारा इसकी सूचना स्थानीय थाने को दी गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सतीश कुमार महतो, पुलिस निरीक्षक चंदन सिंह, SI सहदेव साह, सानी माणिक कुमार राम पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे तथा शव को नदी से निकलवा कर अंत परीक्षण हेतु सदर अस्पताल गढ़वा भेज दिया। परिजनों ने बताया कि जितेश्वर साह बीते रविवार के दोपहर में अपने दोस्तों के साथ रेलवे लाइन के पास मांस व शराब का सेवन करने के लिए गया हुआ था। जब शाम तक घर नहीं पहुंचा तो हम लोगों ने उसे सोमवार तक सभी जगह खोजे, लेकिन नहीं कहीं नहीं मिला। मंगलवार की सुबह ग्रामीणों द्वारा रजदेहवा नदी में शव होने की सूचना मिलने पर जाकर देखा तो जितेश्वर का शव नदी में पड़ा हुआ है। संबंध में थाना प्रभारी सतीश कुमार महतो ने बताया कि प्रथम दृष्टि कोण से नदी में डूबने से ही युवक की मौत हुई है। मृतक शराब के नशे में होने के कारण शौच के बाद पानी के लिए नदी के किनारे गया हुआ था, जहां पर फिसल जाने से नदी में गिरकर उसकी मौत हो गई। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल ग्रीन लाइन न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।